सितंबर का महीना होता है थोड़ा नीचे लो, ये कौन है? दो साल से हमने ये चीज़ मिस करी है हम सब ने। आई थिंक उसके बाद इस साल सारे वापस इकट्ठे होके खुशी मनाते हैं, आई थिंक इन्जॉय करते हैं, एंड आई जस्टिफाइड इट सेल्फ। मस्ती आई थिंक हम सबके अंदर होती है और हमको हर दिन वो चीज़ एकदम खुल के करना। वेल वी हैव आल्सो सीन योर ऑल दी मस्ती इन एवरी प्रोजेक्ट्स। व्हाट आर दी अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स? एनी सरप्राइज फॉर दी ऑडियंस? सर्कस मैं इस तरह से अभी उसका हाल ही में पोस्टर आ रहा है, तो सर्कस 23 दिसंबर को है, तो उसकी उसका इंतजार है एंड वी कांट वेट फॉर। Would you like to give any of the hint to the audience? अभी नहीं, उसका सरप्राइज है। मैं देख सकते हैं थोड़ा कुछ। तो पहले तो मुझे पता चला कि सुबह 8 बजे घंटे में पहली बार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा, इतना ज़्यादा क्राउड। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतने सारे लोग आते सुबह सुबह, इतने एक्टिव है, इतना प्यार करते हैं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे लोग भी मुझे जानते हैं। और मैं बाजू में रहता हूँ गुड़गांव में, यहाँ मैं मलाड में आया हूँ, इतना क्राउड है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। वेल डूइंग ऑल द कलर शो, ऑल द फैंस आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली विद झलक। झलक अभी रिसेंटली हुआ है, क्या लगता है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था झलक में, मैंने बहुत मजा किया, बहुत सारी फिल्में आई है मेरे पास। सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए डांस, मैं डांस कर लिया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैंने कितना अच्छा डांस कर लिया, केवल फिलहाल तक आ गया। मज़ा आई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जर्नी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए लोगों का दिल जीतना, और मैंने लोगों का दिल जीता। आज मुझे यहाँ पर ही मैंने पूछा लोगों से कि आप लोगों को मेरी झलक में परफॉर्मेंस कैसी लगी, वो लोग बहुत खुश हैं, वो लोग बोले बहुत अच्छी लगी। तो बस मेरा मोटिव यही होता है, मैं अगर कोई भी रियलिटी शो कर रहा हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, या कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो बस मेरा एम और मेरा मोटिव यही होता है कि लोग मुझे प्यार करें। और अलहमदिल्ला आज मुझे बहुत सारे लोग प्यार, खतरों की खिलाड़ी हो गया, झलक हो गया, अभी तो लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मलाड का बैक रोड है, मैं चिंचोली में रहता हूँ, हाँ मतलब अभी एक साल से मैं लोहावाला शिफ्ट हो गया, और आज बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे मैं डेली रनिंग करने आता था, और आज यहाँ पे मलाड मस्ती जो एक शो हुआ, जो एक प्रोग्राम होता है जिसमें सब लोग आते हैं, असलम भाई कराते हैं, तो मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू कम? यस, अभी सारी सारी रात ने गाना है, देन रितेश जी तो आगे चले गए, रितेश जी और जिनेलिया जी की अभी फिल्म आई है जस्ट मिस्टर मम्मी, उसमें दो गाने मैंने गाए, राधे राधे, देन आश्रम में बाबा लाइन क्रांति जपना, एंड आगे बहुत सारे सिंगल्स आ रहे हैं, फिल्म्स आ रही हैं, पहले नहीं बता सकता आए दिन मेरे गाने रिलीज होते हैं। बट देन टू द ऑडियंस आर वेरी लाइक ईगर टू नो अबाउट इट, एनी ऑफ द हिंट इफ यू वुड लाइक टू गिव? अमृतसर जुगनी आ रहा है, अमृतसरी जुगनी, अखियां नींद ना आवे, एंड रेमो सर के साथ मेरा गाना आ रहा है, कीप इन टच मैंने कह दी है, फिर दूर दूर क्यों रहती है, ये सब गाने इस मंथ में आने वाले हैं, तो आप लोग प्यार दीजिए, बहुत बड़े डांस आज
अभिषेक जी, और मैं ये सामने बिल्डिंग है रोस्तम जी, कई 3-4 साल पहले उनके साथ ही रहता था, ऊपर तक नीचे थे, बहुत प्यार है, बहुत सारा उन्होंने काम किया अच्छा, मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है। और आज मुझे बुलाया गया है मालार मस्ती यहाँ पे, जबकि मैं कल ही रात को आया हूँ, मैं गया था फूला की शूटिंग के लिए बनारस। और धन्यवाद और बोलूँगा कि ये जो मस्ती है और ये बेसिकली जो इन्होंने बीड़ा उठाया है चाइल्ड अब्यूज का, और उसमें जो लोगों बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि जो हमारी जो लोग है, पब्लिक है, जो ऑडियंस है, बहुत ही प्यारी है। साथ ही हमेशा से हमने देखा है सभी स्टेप्स, इट्स लाइक अ होल स्टेप, हम हर किसी का 100% आएगा अजय देवगन जी उसमें, और बहुत कमाल है अभी, और बहुत सारी अभी आज बिजली गाना आया है गोविंदा मेरे नाम का, वो इसको एंजॉय कीजिए, जिसके पहले ठुमकेश्वरी आया था मीडिया का, तो कोशिश यही है कि हमेशा कुछ नया नया करूँ और मेहनत करते रहूँ। What you would like to say about child abuse? Like देखिए आज ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ गूंजेगी, बहुत ज़बरदस्त गूंजेगी और सबको इस बात का एहसास होगा, तो मैं सबसे पहले थैंक बोलूँगा अस्तम शेख जी का, जी उन्होंने यहाँ पे ये बड़ा इवेंट किया हुआ है और हमको बुलाया। ऐसा है कि मलाड मस्ती का कॉन्सेप्ट ये था कि आज की जो जनरेशन है वो जिस तरीके से मोबाइल, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इन्वॉल्व हो रही है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनके हेल्थ पे कितने इश्यूज आ रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारे लोगों के विजन का प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटल का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको स्ट्रेस के लेवल से, यंग बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हटा के वो ग्राउंड लेवल पे आए, खेले कूदे, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाए और अपने सेहत को ज़्यादा संभालें, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी को लेके आज जो है पूरे इस मुंबई शहर में जो है, आज पूरे मुंबई शहर से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का साथ है, थैंक यू।